मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदस रथ अजर बिहारी। राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। बड़ी शुभ ये खबर आई बाजे घर घर शहनाई पापियों का वध करके आए अवध में रघुराई। पापियों का वध करके आए अवध में रघुराई। सोने का रथ होगा भगवान अयोध्या में ऐसा स्वागत होगा। राम का अयोध्या में ऐसा स्वागत होगा। राम राम कर सजाए राम राम कर सजाए राम राम कर सजाए राम राम जप सजाए। घड़िया आज पूरे भारत के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे अयोध्या में 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद लंबे संघर्ष के बाद जो राम मंदिर बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक अलग प्रकार का भक्तिमय वातावरण है जिसमें हर जन हर व्यक्ति जो है वो उसका आनंद ले रहा है उसमें डूबा हुआ है। इसी संदर्भ में हमारे शक्ति माता मंदिर सरोल में भी हमने गत एक सप्ताह से हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें प्रतिदिन कीर्तन उसके बाद हनुमान चालीसा कल हमारे यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ था। उसके अतिरिक्त आज यहाँ पर हमारे भंडारे का आयोजन भी होगा संगत प्रवचन सभी कुछ यहाँ पे होगा। एक अलग प्रकार का उत्साह सारे समाज के अंदर देखने को मिल रहा है। भगवान श्री राम के जीवन मूल्यों को हम सभी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और पूरे समाज को आज इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं साधुवाद देती हूँ। जय जय श्री राम। बहुत आभारी हैं प्रभु राम के कि जिन्होंने हमें इस चीज़ के लिए हम साक्षी बने हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए और हमारे सरोल में इतना भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जिसके लिए LCD वगैरह लगाई गई है और सत्संग होएगा। उसके बाद शाम को दीपदान किया जाएगा और उसके बाद आतिशबाजी चलाई जाएगी और उसके बाद दोपहर के लिए भंडारे का प्रोग्राम भी किया गया है। ये सारी प्रभु राम की कृपा है। हमारे हाथ में तो ऐसा कुछ भी नहीं था और ना हम इस चीज़ के लिए कुछ कर पाने वाले थे लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही है कि हमने बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ का प्रोग्राम चला हुआ है। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में श्री रविंदर शर्मा जी जो कि कार सेवक और 1990 में वो जो विवादित ढांचा था अयोध्या में ये गए थे और जेल में भी उस समय पर रहे थे। हमारा परम सौभाग्य है कि आज ये हमारे बीच में आज सरोल में कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। वर्तमान में ये जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं और मैं चाहूँगी कि ये अपने मुँह से उस समय का जो दर्शन है या जो भी इनके साथ वहाँ पे हुआ था किस प्रकार से क्या हुआ उसका संक्षिप्त में जो है वो वर्णन करें। श्री रविंदर शर्मा जी। मैं रविंद्र शर्मा प्रवक्ता जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल चंबा। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज जो अयोध्या जी में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इस शुभ घड़ी पावन वेला पर मैं विभिन्न प्रकार के जो आयोजन समूचे राष्ट्र के अंतर्गत रखे गए हैं ये बहुत ही श्लाघनीय हैं। मैं 1990 में 27 अक्टूबर को पठानकोट से कार सेवक राम भक्त के रूप में
अयोध्या जी के लिए गया था, उस समय मैं पठानकोट के आर्य समाज स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर्य समाज में प्रवक्ता पद पर था। और हमारे साथ लगभग 60 लोग जो थे, जो राम भक्त गए थे, उनमें से मास्टर मोहनलाल जो पंजाब सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री थे भूतपूर्व, और इसके अलावा और भी गणमान्य व्यक्ति, स्वतंत्र कुमार मुरघई जी जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं, वो भी हमारे जत्थे में थे। हम 27 तारीख को पठानकोट से रवाना हुए, एक रात हमें दिल्ली में रुकना पड़ा और तत्पश्चात हम विश्वनाथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी से लखनऊ में गए और वहाँ पर हमें कहा गया कि तुम्हें बंदी बना लिया गया है। और जिस जगह पर हमें ले जाया गया वहाँ पर रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जगह भी पहले ही वो जहाँ पर हमें रखा जाना था उस जगह पर बहुत से लोग विद्यमान थे। और हम वहाँ से एक ट्रेन के माध्यम से अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किया। हमें गोंडा रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरना था, लेकिन उससे पूर्व ही, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस थी और वहाँ बंदी बनाया जा रहा था कार सेवकों को, तो 1.5 किलोमीटर पहले ही उतार दिया गया। और वहाँ से हम पैदल चले और जा कर के लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर फैजाबाद में एक मंदिर में रात पर विश्राम किया। और उसके बाद दूसरे दिन 30 तारीख को सुबह ही हम कटरा के लिए चल पड़े। और कटरा में जब हम सरयू नदी के किनारे पर पहुँचे तो वहाँ पर हमें कहा गया कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, रोक दिया गया। वहाँ पर हम भजन कीर्तन करते रहे, श्री राम के नारे लगाते रहे। और इसी बीच हमारे जो 60 लोग थे जत्थे में, उनमें से एक लड़का अजय महाजन जो कि इकलौता ही बेटा था, उसके पिताजी PWG में SDO थे, वो इतनी गोलियों की बौछार हुई कि उसमें वो शहीद हो गया। और वो बिहावना दृश्य जो है हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय हो गया। और इसके बाद हम वहाँ पर भजन कीर्तन करते रहे और थोड़ी देर के बाद जब रात होने लगी तो हम खेतों में सो गए। और वहाँ पर पुलिस आई और उन्होंने कहा कि आपको हमने बंदी बना लिया है। और वहाँ से हमें वे ऐसे स्थान पर ले गए, वो एक सरकारी स्कूल था, वहाँ पर 2 दिन के लिए हमें बंदी बनाया गया, उसके बाद छोड़ दिया। और ये जो उस समय का ये हमारा जो एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम था कि हम अयोध्या ज़रूर जाएंगे, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही बिहावनी घटना घटी। मणिराम छावनी में इतनी गोली चली कि 450 से भी अधिक राम भक्त जो थे वो शहीद हो गए। और उसमें हमें भीतर से एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक ऊर्जा थी कि जब तक मंदिर का हमें एक निर्माण के लिए हिस्सेदार नहीं बनेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमें वापस आना पड़ा। उसी समय हमने संकल्प किया था कि किसी न किसी दिन अवश्य हम अपने जो इरादे हैं, संकल्प हैं, उनको पूरा करने में अवश्य ही कामयाब होंगे। हमें इसमें जो है वो ज़रूर सहमति मिलेगी। और वही आज का दिन जो है वो जिसके लिए हमारे लोगों ने, हमारे कार सेवकों ने, राम भक्तों ने 500 वर्षों तक लंबे समय तक ये बार बार प्रयास किए, आज वो शुभ घड़ी जो है हमें देखने को मिल रही है। तो हम बहुत ही राममय इस वातावरण में खुशी महसूस कर रहे हैं और देशवासियों को इस आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जो हैं वो हमारे हृदयों में सदैव बने रहें, हमारे ऊपर अपनी अनुकंपा बनाए रखें, यही मेरी कामना है और यही सबके लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।
Ram 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 Ram
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Oh,
Let's go.
Thank you.
Jai Shri Ram, 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 Jai Shri
सर्वप्रथम मैं सभी को जय श्री राम बोलूँगा, क्योंकि ये 500 बरस के बाद फैसला आया था और भगवान राम टेंट से जो हैं आज 22 जनवरी 2024 को करीब 12 समथिंग पर उनकी मोदी जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई और उस उपलक्ष पर हमारे जिला चंबा के सरोल गांव में जो है कीर्तन भी हुआ और ये कार्यक्रम भी देखा गया जो प्राण प्रतिष्ठा का था। और उसके बाद भव्य श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की झांकी निकाली गई और ये शोभा यात्रा जो है माँ शक्ति सरोल के मंदिर से प्रारंभ हुई और खूब भजन कीर्तन करते हुए जो है ये कोई 1 किलोमीटर का चक्कर काट करके शोभा यात्रा दोबारा फिर वापस शक्ति माता मंदिर सरोल में पहुंची। उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। तो मेरा सभी के से अनुरोध है कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक श्याम घन श्याम हित चातक तुलसीदास सियावर राम जय जय राम। तो हमारे में एक भरोसा होना चाहिए। तो क्योंकि रामायण में भी कहा गया है कि सीधा विश्वास नहीं होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। क्या मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अर्थात अगर भगवान राम का मंत्र है हमारे पास तो उस मंत्र का जाप करिए। और कैसे करिए? सीधा विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास करके। और ये जो मंत्र है भगवान राम का, ये विजय मंत्र है। जिस जिसने इस मंत्र को प्राप्त किया है, जिस जिसने भगवान से भेंट की है और इस मंत्र को प्राप्त किया है, उसका भगवान ने राज तिलक कर दिया है। जैसे उसमें विभीषण को जो है भगवान ने, जब भगवान के पास आए विभीषण जी, तो उन्होंने दीने हूँ राज अखंड, अखंड राज्य दे दिया। और लंका विजय से पहले ही उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उनको जो है सिंधु के नीर से उनका अभिषेक कर दिया और कहा जाओ आप हे लंकेश, आपको अखंड राज्य दिया। तो बोलने का मेरा तात्पर्य है, सुग्रीव भी भगवान से, सुग्रीव की मित्रता हुई, उसको भी भगवान ने राज्य दे दिया। इस प्रकार बहुत सारा रामायण में ऐसा है कि जिन जिन से भगवान ने मित्रता की उनको राज्य भी मिला, उनको श्री विजय विभूति सब कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए मैं यही कहूँगा कि भगवान राम के प्रति जो है सीधा विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास होना चाहिए तो बात बनेगी। क्योंकि भगवान ने जब शबरी के आश्रम में गए थे, आजकल ये गाना बड़ा प्रचलित हुआ है शबरी वाला के, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, शबरी ने भी इसी प्रकार कुछ भरोसा किया था। गुरुजी ने उनके कहा था कि तेरे आश्रम में एक दिन भगवान राम आएंगे, और शबरी का विश्वास नहीं था बल्कि दृढ़ विश्वास था। और शबरी ने क्या किया कि रोज़ वो झाड़ू लगाती थी और पूरा रास्ता साफ करती थी और उसमें फूल बिछाती थी, लेकिन वो डगमगाई नहीं, उसका दृढ़ भरोसा था। इसलिए एक दिन भगवान राम जो है उसके आश्रम पर आ गए। जब उसके आश्रम में आए तो वो कुछ सकुचा गई, वो कहने लगी कि मैं क्या करूं, मेरे आश्रम में भगवान आए हैं, कहाँ बिठाऊं, क्या करूं। तो वो भगवान को कहने लगी क
के अधम ते अधम, अधम अति नारी अरे तिन महु मैं मति मंद अघारी। भगवान को कहने लगी कि मैं बड़ी गिरी हुई इंसान हूँ, और फिर कहने लगी अधम अति अधम, उससे भी गिरी हुई हूँ, अधम अति नारी और ज़्यादा गिरी हुई। फिर कहने लगी मैं उनमें भी कैसी हूँ, मति मंद बड़ी मंद बुद्धि की हूँ और अघारी बड़ी पापिनी हूँ। तो भगवान क्या जवाब देते हैं, भगवान कहते हैं कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, अरे मानहु एक भगति करनाता। तो शबरी कहने लगी कि हे भगवान, भक्ति का नाता तो ठीक है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि भक्ति क्या होती है, मैं नहीं जानती हूँ। भगवान कहने लगे अधम की बाधम और निराधम की कोई बात नहीं है, मेरे को ये बताओ कि भक्ति क्या है। तो भगवान कहने लगे कि भक्ति जो है, मेरा और तेरा जो रिश्ता है वो भक्ति का है। तो शबरी कहने लगी भक्ति क्या है, तो भगवान कहते हैं नवधा भक्ति, भक्ति नौ प्रकार है, नौ प्रकार की है। बोला तो मेरे को बताओ प्रभु जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये शबरी की नवधा भक्ति का पूरा संदेश पूरी दुनिया में पहुंच जाए, ताकि पूरी दुनिया उसके मुताबिक चले और हर घर में सुख शांति समृद्धि और स्वच्छता प्राप्त हो। तो पहली भक्ति क्या है, ये 5 मिनट लूँगा मैं सिर्फ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति माम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि अच्छे आदमी का सत्पुरुषों का साथ करो, और दूसरी रति माम कथा प्रसंगा, और दूसरी मेरे कथा प्रसंग पर पूरा ध्यान दो, उसे पढ़ो सुनो और अपने जीवन में उसको आचरित करो। और तीसरी भक्ति अमान, और तीसरी भक्ति क्या है कि अपने आप को मान और अपमान से परे कर लो। कोई बड़ा मान करे तो बड़ा फूलना नहीं है, और अपमान करे तो इतना दुखी भी नहीं होना है, थोड़ा मान और अपमान से परे हो जाना है। और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान, और चौथी भक्ति जो है मेरे गुण गुणा का कपट तज कर, अपना मन का जो कपट है छल कपट उसको बाहर निकाल के और उन्मत्त होकर करिए। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन जो वेद प्रकाश। और जो मंत्र जाप है उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जैसे श्री राम जय राम जय जय राम। षटदम शील विरति गुण धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और छठी भक्ति है कि अपने आप को कंट्रोल में रखो, नियंत्रण में रखो, निरत निरंतर सज्जन धर्म, और सज्जन बन के रहो, जो सज्जन का धर्म है वही करो। और सप्तम मोई मैं सब जग देखा, अरे मोते अधिक संत कर लेखा। और सातवीं भक्ति है कि सारे जगत में मेरे प्रकाश को देखो, कि कण कण में और क्षण क्षण में जो है भगवान का ही जो है प्रकाश है। अर्थात भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत हृदयस्था, हे अर्जुन मैं प्राणी मात्र के में आत्म रूप से विद्यमान हूँ। और आठवीं भक्ति क्या, अष्टम यथा लाभ संतोषा, अरे सपने हूँ नहीं देखूं पर दोषा। आठवीं भक्ति है यथा लाभ, जितना लाभ हो उसमें संतोष करना, अर्थात जितना प्राप्त है वह पर्याप्त है। और नौमी भक्ति क्या है, नवम सरल सब सन छल हीना, अरे मम भरोस हर सना दीना। और नौमी भक्ति क्या है, सरल बन के रहना, एज इट इज जैसे है वैसे, कोई लाली पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एज इट इज सरल
सरल का मतलब है बिल्कुल ऐसे वैसे, बिल्कुल आराम से जैसे हैं वैसे, कोई पॉलिश ढोने की जरूरत नहीं है। स का मतलब है सीता, र का मतलब है राम, और ल का मतलब है लक्ष्मण, अर्थात सीता राम और लक्ष्मण उसी के हृदय में निवास करते हैं जिसके हृदय में कचरा ना हो, द्वेष ना हो, हैं जी, जिसके हृदय में काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर अहंकार ना हो, उसके हृदय में भगवान बैठते हैं, जिसका हृदय बिल्कुल साफ हो। ऐसा नहीं कि मन में तो पाप है लेकिन बाहर से बिल्कुल पॉलिश ढोकर बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो अंदर से और बाहर से एक जैसे हैं इसको कहते हैं एज इट इज़। तो नवम सरल सब सन छल ही ना, और क्या है, मम भरोस ही हर्ष न दीना, और मेरा भरोसा हो और ही हर्ष न दीना, ना ना बड़े खुशी में ना बड़े गम में, और ज़्यादा आ जाए तो बड़ी खुशी नहीं, कम हो तो कोई गम नहीं। अर्थात जब भगवान राम को राज्य की घोषणा कर दी गई थी तो भगवान इतने प्रसन्न नहीं हुए, और जब उनको वनवास की घोषणा कर दी गई तो इतने दुखी भी नहीं हुए। अर्थात भगवान सुख और दुख से परे हैं, इसलिए हमें भी सुख में बड़े फूलना नहीं चाहिए और दुख में उसको भूलना नहीं चाहिए। जो ईश्वर को याद करता है तो याद का उल्टा दया है, उसके उसके ऊपर भगवान दया करते हैं जो ईश्वर को याद करते हैं। और भगवान राम का चरित्र ऐसा है कि सबसे पहले सुबह उठ करके भी प्रातः काल उठ के रघुनाथ अरे मात पिता गुरु ना वही माता, सुबह उठ करके सबसे पहला काम उनका था माता पिता और गुरु के चरणों में जो है वंदन करना। और वंदन करने से क्या होता है, चतवारि तस्य वर्धन्ति क्या आयुर्विद्या यशोबलम, अर्थात जो अपने माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करता है उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं, क्या आयु विद्या यश और बल, और धर्म अर्थ काम मोक्ष तो माता पिता की सेवा से ही पा जाता है। तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि सुबह उठकर अपने माता पिता की खूब सेवा करो, और सेवा करने से ही सत्संग हो गया। ये नहीं है कि घर में माँ दुखी है और मंदिर वाली माँ के पास चले गए तो मंदिर वाली माँ भी ये कहेगी कि जा पहले अपने घर वाली माँ को प्रसन्न कर तो मैं स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी। बोलो राजा राम चंद्र भगवान की, यही संदेश है मेरा कि अपने बड़े बुजुर्गों की खूब सेवा करें सभी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये मेरा संदेश सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। ऑल दी वर्ल्ड, इट इज़ ओनली फॉर ऑल दी वर्ल्ड, नॉट ओनली बट इट इज़ ऑल दी फॉर ऑल दी वर्ल्ड। जय श्री राम, आप सबका धन्यवाद है। इसको सुनो समझो और अपने जीवन में आचरण करो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय श्री राम।
आज बड़ा खुशी का दिन है कि जो करोड़ों हिंदुओं ने 500 साल पुराना जो सपना देखा था आज उसको पूर्ण होते हम आज देख रहे हैं। आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आज जिला चंबा में हर पंचायत में जो है ये प्रोग्राम किया गया। हर पंचायत में जहां मंदिर थे वहां पे LCD लगा करके पंचायत वाइज प्रोग्राम किया गया। और उसी कड़ी में आज ग्राम पंचायत सरोल में जो साओ खंड में आता है उसमें यह कार्यक्रम किया गया। यहाँ पे लगभग 1000 की संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। आप देख रहे होंगे पीछे कितनी भीड़ है लोगों में। आज आपको दिख रही है कि राम के प्रति कितनी श्रद्धा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारा 500 साल पुराना सपना था आज को साकार किया। मैं मोदी जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिला चंबा के लोगों को आज के इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। We'll be right back.
कुटिया भी दुल्हन सी अवध मीरा में आए सजा दो घर को गुलशन सा अवध मीरा अवध में।